दोस्तों आपने एक वीडियो देख लिया होगा कौन से फ़ोन आपको नहीं लेने चाहिए। अगर नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई के चैनल पे वीडियो डाले हमने, हमारे साथ हैं फास्ट चॉइस विवेक जी। तो भैया एक वीडियो बन चुका है और ये दूसरा वीडियो है जहां पर आपको पता चलेगा कौन से फ़ोन लेने चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंट होने वाला आज की वीडियो में। मतलब एक वहां हो चुका है, एक डिफरेंट यहां होगा। यहां क्या होने वाला है कि हम आपको बताएंगे आपके अकॉर्डिंग कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भैया आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, अभी आपको सब पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि भैया आपके लिए कैमरे वाला फोन कौन सा अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी मिलेगी, आपको किस में डिस्प्ले अच्छी मिलेगी, मतलब हर चीज हम इस तरह से कवर करेंगे जिसमें आपको चूज करने में आसानी रहेगी कि आपके लिए कौन सा फोन, मतलब कह सकते हैं ऑलराउंडर वीडियो। तो भैया पहला कंपनी स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आज। पूछ लीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे बताओ कमेंट्स में आपके हिसाब से आपका फेवरेट फोन आज की डेट में कौन सा है, 10,000 से नीचे की रेंज में, 10 से 20,000 की रेंज में। दो फोन बताने हैं आपको मुझे। और एक चीज और बताना है, जो भी फोन आप रिकमेंड कर रहे हो क्यों कर रहे हो, बस ये छोटा सा आंसर आप दे दो बस। आज आराम से मिल जाएगा यार, बिल्कुल मिल जाएगा। और लाइक्स का हम टारगेट रखेंगे आज 15,000। नहीं भाई 21,000। 21,000 पर नक्की रखेंगे ना यार। ठीक है 21,000 पक्का कर दो। उसमें भी 21 था, इसमें भी 21। बिल्कुल फिर स्टार्ट करते हैं। तो अनुज भाई पहला फोन कौन सा है? देखो पहले हम बात करेंगे कैमरा की। अगर आपको चाहिए बेस्ट कैमरा फोन 10,000 से नीचे की रेंज में, तो कौन सा फोन आपके लिए परफेक्ट है? रेडमी का Y2 है यार। बिल्कुल है ना, रेडमी Y2 का प्राइस अब कम हो चुका है। अगर आपको चाहिए 8-9 हज़ार की रेंज में बेस्ट कैमरा फोन, तो इससे बेटर फोन आपको इस प्राइस में मिलना इम्पॉसिबल है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको वही लुक एंड फील के मामले में Xiaomi का हर एक फोन में होता है। बस अगर आपको चाहिए बेस्ट कैमरा फोन तो Redmi Y2। अगर आपको चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस वो भी 8-9 हज़ार की रेंज में, तब तो Acer Zenfone Max Pro M1। M1 है मतलब पहला वाला फोन है, लेकिन बहुत ही किलर फोन है ये। Snapdragon 66, बड़ी बैटरी, 5000 mAh की कैमरा भी अच्छा है उस फोन का, बट विदाउट नॉच। विदाउट नॉच। तो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो Max Pro M1, बेस्ट कैमरा चाहिए तो Redmi Y2। तो भैया बिल्ड क्वालिटी की भी तो बात कर लो यार। हाँ काफी लोग ऐसे हैं जिनको कैमरे से मतलब नहीं है, सिर्फ उनको लुक एंड फील अच्छी चाहिए फोन की। तो इसके लिए तो भैया नोकिया ही बचा है। उनके लिए तीन फोन मैं आपको बताऊंगा। अच्छा नोकिया भी तो है ना 5.1। नोकिया तो है ही है। अगर आपको चाहिए, देखो अगर आपको कई बार क्या होता है हमको सिर्फ 8 से 9 हज़ार में फोन चाहिए, इससे ऊपर हमको नहीं जाना, तो आप ले सकते हो Honor 9N। ये आपको ग्लास पिल के साथ मिल जाएगा स्मार्टफोन और डिस्प्ले आपको मिल जाएगा नोच वाला, तो आप ये फोन कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो आप नोकिया का 5.1 प्लस ले सकते हो, ये भी ग्लास के साथ। हाँ, अगर आपको 10,000 तक जा सकते हैं आप, तो दो फोन है, एक तो है नोकिया 5.1 प्लस, दूसरा है ये आपका जेनफोन मैक्स M2। इन दोनों में से आपको एक फोन चूज करना होगा। लेकिन यार एक में तो ग्लास आपको मिलता है, एक में मेटल मिल जाता है। हाँ। एक में बड़ी बैटरी मिलती है, एक में छोटी बैटरी मिल जाती है, और एक में आपको नोकिया जैसा ब्रांड मिल जाता है, एक में आपको एसस मिल जाता है। लेकिन कुल ये दोनों कंपनियां पुरानी है और कुल मिला के ये बात है, अगर आपको गेमिंग करनी है 10,000 में तो नोकिया है। लेकिन अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, बड़ी बैटरी और नॉर्मल यूज में कोई भी दिक्कत नहीं आए, तो Zenfone Max है भैया। तो अनुज भाई ये बता दो आपका फेवरेट फोन कौन सा है 10,000 की रेंज में? मुझे पर्सनली नोकिया 5.1 प्लस काफी अच्छा फोन लगता है, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट वो स्मार्टफोन है। लेकिन मेरे तो डिमांड कुछ और है, और जो मेरा फेवरेट फोन है वो है Asus का Zenfone Max Pro M1, क्योंकि यहां पर मुझे बड़ी बैटरी मिल जाती है, यहां पर मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, डिसेंट कैमरा मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम छोटी सी है, नॉच नहीं है। बस अगर आपको स्टाइलिश दिखने वाला फोन चाहिए तो वो आपके लिए नहीं है। तो यही है, मैंने इसलिए चूज किया नोकिया का फोन क्योंकि मुझे काफी कॉम्पैक्ट फोन लगता है वो। अगर ज्यादा देर तक आपको बात करनी है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं 10,000 से लेकर 15,000 रुपए का, और सबसे ताबड़तोड़ जो कैटेगरी है ना वो यही वाली है। देखो इस सेगमेंट में इतने सारे स्मार्टफोन्स हैं, उनमें से कुछ हमने पिक किए हैं, जो हम आपको रिकमेंड करेंगे और क्यों करेंगे वो भी हम आपको भी बताएंगे। तो भैया पहला कैमरे वाला फोन आप बताओ। देखो कैमरा अगर आपको चाहिए इस प्राइस पे, मतलब 13-14 हज़ार की रेंज में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Redmi Note 6 Pro। भाई सच में कैमरा बहुत लाजवाब, तगड़ा कैमरा है, जबरदस्त कैमरा लगा मुझे, और इन एंड फील भी काफी अच्छी है, हालांकि डिजाइन थोड़ा पुराना हो। तो मतलब कैमरे के लिए आप देते हो Redmi Note 6 Pro, लेकिन यार परफॉर्मेंस के लिए ना 636 है उसमें, जबकि आपको आजकल इस प्राइस पे 660 हंसते हंसते मिल जाए। अरे भैया रुको 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 अनुज भाई, एक फोन है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, Realme का U1। देखो अगर आपको चाहिए 10-11 हज़ार की रेंज में बेस्ट परफॉर्मेंस, 15,000 रुपए की रेंज में,
P70 सबको टक्कर दे रहे हैं। हाँ। अगर आपका बजट इतना है 11,000 तक, तो मैं Realme U1 आपको रिकमेंड कर सकता हूँ बिना किसी डाउट के। बिंदास पबजी खेलो। अरे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वाटर ड्रॉप नोज आपको मिल जाएगी, लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़े कॉम्प्रोमाइज भी है भाई। EIS नहीं है, रियर कैमरा अच्छा नहीं है उस फोन का। फ्रंट कैमरा जबरदस्त है लेकिन रियर कैमरा उतना अच्छा नहीं है। बस ये कुल मिलाकर ये दो फोन हो गए हैं, एक तो Realme U1 बेस्ट परफॉर्मेंस 11-12,000 की रेंज में, Redmi Note 6 Pro बेस्ट कैमरा 13-14,000 की रेंज में, और एक ओवरऑल भी थोड़ा सा इन्हीं के पास पहुंच जाता है Realme 2 Pro, वो भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा फोन है। लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें रियर कैमरा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रंट कैमरा उसका ठीक है, उतना बुरा नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं। EIS भी वहां मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी आपको 660 अच्छी दे देता है। हाँ, बाकी एक बीच में है Max Pro M2, जो कि ऑलराउंडर फोन हम कह सकते हैं, इस फोन को हम कह सकते हैं ऑलराउंडर फोन थोड़ा सा। इसमें क्या है ना, EIS आपको फ्रंट और रियर दोनों के लिए मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, कॉम्पैक्ट फोन है, थोड़ी बहुत कमियां हैं जैसे प्लास्टिक बिल्ड सब में है, प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन वही है, थोड़ी बहुत कमियां हैं इसमें भी। तो भैया अगला फोन इसी रेंज में कुछ बच रहा है नोकिया के बारे में ना, मैं ये कहूंगा नोकिया नहीं, अगर आपको चाहिए जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी, जबरदस्त ओनर एटैक्स से अच्छा फोन आपको नहीं मिल सकता 15,000 की रेंज में। यार नोकिया के 6.1 प्लस वो भी अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस और सब कुछ देखते हैं तो ओनर एटैक्स बेस्ट फोन है। उसके अलावा नोकिया 6.1 प्लस तो जबरदस्त है, अगर आपको ऑफलाइन फोन लेना है ना तो इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अनुज भाई ये बताओ आपके हिसाब से 10 से लेकर 15,000 रुपए में ऑलराउंडर फोन कौन सा है? देखो मैं कहूंगा कोई भी फोन परफेक्ट तो नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां सब फोन में हैं यहाँ लगी, लेकिन अगर मैं बिल्ड क्वालिटी देखूँ तो मुझे अच्छा लगेगा ऑनर एटैक्स, परफॉर्मेंस या बैटरी ड्यूरेबिलिटी सब कुछ देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा मैक्स प्रो M2, क्योंकि उसमें गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन आपको मिलती है और मेरे हिसाब से भी मुझे पसंद है यार। तो भैया 15 से लेकर 20,000 में आ जाओ। देखो यहाँ तो भाई साहब गदर है, तीन फोन है, एक तो है ओनर प्ले जिसने हल्ला मचा रखा है, और एक ऐसा फोन है जिसने हल्ला किया है उसने तो बिल्कुल ताबड़तोड़ फायरिंग करता चला रहा है, मतलब पोको फोन वो आपको ऑफर्स में 17,000 तक भी मिल जाता है, 17-18,000। अरे भाई और रुको, अभी और सस्ता हो जाएगा ये फोन, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये दो फोन तो हम फुल्ली रिकमेंड कर सकते हैं, ओनर प्ले और पोको F1। अच्छा है ये दोनों फोन तो, लेकिन ओनर प्ले का प्राइस कहीं कम और ज्यादा होता रहता है। अभी ये फोन 15 तक भी मिल जाता है, 14-15 में भी आपको मिल सकता है ये फोन। तो भैया थोड़ा सा वेट कर लो, क्या पता और सस्ते में मिल जाए। बाकी एक फोन और है ओप्पो K1, तो इसके बारे में अगर आपको टशन मारने हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ तो ले सकते हो, अदरवाइज और भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। सही बात है, लेकिन तो, ये है कि ओप्पो ने अच्छा काम किया ना आपको इस प्राइस पे देके इन डिस्प्ले, ये बहुत अच्छा काम किया। हाँ, कुछ नया किया है, इसके लिए थम्स अप। तो भैया अगला फोन आपको मैं कहूंगा 20 से 25,000 की रेंज में Asus Zenfone 5Z आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको ये मिल जाते हैं अच्छी प्राइसिंग पे तो, हालांकि 21,000 तक 22,000 तक आपको ये मिल जाता है आजकल, इसमें भी ऑफर आता है यार। ये फोन मैं प्राइमरी सिम के साथ यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ। कोई भी शिकायत नहीं है मुझे इससे। तो भैया वीवो और ओप्पो की भी तो बात कर लिया करो यार। देखो ओप्पो तो बता दिया मैंने आपको, K1 है जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एमोलेड पैनल डिस्प्ले, ओप्पो K1 का जबरदस्त है बिना किसी डाउट के, बहुत अच्छा है डिस्प्ले, अच्छा है, लेकिन वही है ना जो आपको सब कुछ मिल रहा है उसमें वो बाकी स्मार्टफोन्स आपको कम प्राइस पे दे रहे हैं, यही तो एक बात होती है ना, किसी में आपको ज्यादा कुछ और मिलता है, किसी में कुछ और मिलता है, तो यार समझना भी बड़ा टफ हो जाता है। बाकी एक बार हम थोड़ी सैमसंग फैंस की बात करते हैं। अरे बात करिए, देखो सैमसंग की जो एम सीरीज है उसने मचा रखी है तबाही मार्केट में। M20 सैमसंग M20 का टाइम आ चुका है, सैमसंग का टाइम आ गया है। सैमसंग M20 मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप सैमसंग के फैन है तो। हाँ, लेकिन भाई अनुज भाई एक चीज ये कहूंगा सैमसंग से, जो चीजें यहां पर कमियां आई है ना थोड़ी थोड़ी वो ना आनी चाहिए बस M30 में। बिल्कुल M30 में यार, अभी तो M30 की बात ही मत करो आप, उसमें प्रोसेसर लग रहा है 7904 होगा, बाकी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो यार यदि ये हुआ ना तो मैं खुश हो गया। तो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होते हैं। तो मोटो का कुछ है हमारी लिस्ट में? चलो बिल्कुल कोई बात नहीं, अगला फोन मोटो से हम गुस्से हैं, वो अच्छे फोन नहीं ला रहा इंडिया में यार। भाई मुझे एक चीज है अनुज भाई, लेनोवो इंडिया से गायब हो चुका है यार, मोटोरोला गायब होता ही चला जा रहा है। लेनोवो खुद चाहते हैं मोटोरोला आगे ना बढ़े ऐसे लग रहा है, क्योंकि लेनोवो तो चाइना में काफी अच्छा काम कर रहा है। काफी अच्छा नहीं, जबरदस्त काम कर रहा है, और इंडिया में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं सो गए हैं जाके कहीं पर, कोई मतलब नहीं है। चलो मतलब मोटोरोला का कोई भी फोन नहीं है जो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं आज की डेट में। तो अनुज भाई और कोई फोन बच रहा है इसके अलावा? हम बात करते Vivo हैं सैमसंग का एक और फोन है, कौन सा? सैमसंग A7 2018, उसका प्राइस हम कम हो चुका है। ट्रिपल कैमरा वाला, ट्रिपल कैमरा है, जबरदस्त कैमरा है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक आपको मिलेगी।
स्नैपड्रैगन 636 के लेवल का परफॉर्मेंस उसमें मिलेगी। तो ये और एक फोन है नोकिया का 8.1, यदि सस्ते में बढ़ जाता है तो ये फोन जबरदस्त फोन, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इसका रिव्यू वगैरह सब कर चुका हूँ, रिव्यू मैं कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फोन ये मुझे काफी अच्छा लगा था, हमें उम्मीद थी ये फोन इंडिया में आएगा 18-19,000 की रेंज में, लेकिन आ गया 26-27,000। हाँ, गड़बड़ होगी, थोड़ी सी सोचना पड़ेगा। और यदि आप ऑनर के फैन हैं, महंगा वाला फोन लेना चाहते हैं, तो ऑनर का व्यू 20 आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन मैं यही कहूंगा जो नोकिया के लिए कहा है, महंगा है, थोड़ा महंगा है, लेकिन वही है ना, फीचर जो मिल रहे हैं इसमें आपको वो भी जबरदस्त है। नहीं अनुज भाई, महंगा तो है, थोड़ा सा सस्ता, महंगा इसलिए है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन हो चुका है, कंपटीशन बहुत हो चुका है मार्केट में। तो कुल मिलाकर ये कुछ स्मार्टफोन्स थे जो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अगर जो मैंने आपको 5000 बताया, जैसे 21-22,000 में अगर आपको चाहिए जबरदस्त परफॉर्मेंस, साथ में जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी और कैमरा भी आपको अच्छा चाहिए, तो ये फोन आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन कैमरे में एक चीज मैं बता दूं, यदि आपको रियर कैमरा अच्छा चाहिए, हाँ रियर अच्छा चाहिए और फ्रंट भी ठीक है, मैं सारी वीडियो चीजें बनाता हूँ जैसे, हाँ तो मतलब हम कह सकते हैं अच्छा फोन है ओवरऑल, लेकिन मार्केट में इतना ज्यादा मतलब अब कंपटीशन हो रहा है हल्का कि अब आपको दिमाग लगा के फोन खरीदना चाहिए। इससे हमने जैसे ओनर प्ले बताया था उसमें बताना भूल गया आपको, उसका जो कैमरा है वो उतना अच्छा नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ओनर प्ले उनके लिए है जिनको कम प्राइस पे चाहिए जबरदस्त परफॉर्मेंस रॉकेट वाली, और जिनको कैमरा अच्छा चाहिए पोको F1 में मुझे अनुज भाई एक चीज ये लगता है, केवल उसकी बिल्ड क्वालिटी हटा दे, उसका अगर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन आप हटा दो तो परफेक्ट फोन बन जाएगा वो उस प्राइसिंग पे। कैमरा उसका जबरदस्त, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी उसमें दी गई है, फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, बड़ी बैटरी आपको मिलती है, अगर उसमें ग्लास बिल्ड आ जाए ना पोको F1 में, F2 अब देखते हैं क्या। अनुज भाई काम करे, तोड़ ताड़ के कुछ लग जाते हैं गाड़ी का कुछ पार्ट वार्ट, चलो भाई आगे चलते हैं कोई बचा इसके अलावा कौन सा फोन ले, वीवो V15 Pro है, उसको हम आपको पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू सब देंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बट वो फोन तबाही कर सकता है, करेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा वेट करो उसके लिए। कुछ मुझे लग रहा है सब कुछ कवर हो चुका है, बिल्कुल काफी कुछ कवर हो चुका है। बाकी दोस्तों Redmi Note 7 का गिव अवे चल रहा है इस चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पार्टिसिपेट कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो थोड़े से क्वेश्चन आपसे भी हैं, आपके हिसाब से कोई और फोन है जो हम छूट गया हो, हम नहीं बता पाए हो, तो नीचे बताओ, क्या पता हम भूल गए हो कोई फोन, बताना जरूर है ना, उसको बताओ। और चैनल को क्या करना है आप बता दो, सब्सक्राइब कर लीजिए बस, लाइक का हमने बताया, भाई के चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, 21,000 लाइक तो आप कर ही दोगे, ये तो छोटी बात है भाई के। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।